हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनोइड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनोइड्स, बिकॉज इससे जो है आपको किसी भी एग्जामिनेशन में जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपली जो है आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करके जो है पूछा जाएगा कि ये कौन सा टर्पिन है, ठीक है। एंड आपको ये भी पूछा जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है। तो यहां पे जो है दो चीजों को मैं फिर से रिकॉल करता हूं। जैसा कि लास्ट के वीडियो में मैंने बताया था आइसोप्रीन यूनिट के बारे में, जो कि आपका आइसोप्रीन यूनिट जो हम कहते हैं उसे कहते हैं 2-methyl-1,3-butadiene को हम आइसोप्रीन यूनिट कहते थे। इसमें जो है आपका 5 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन जो है आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते थे, और ये जो 5 कार्बन का एक यूनिट होता था इसे हम 1 यूनिट कहते थे। मतलब इसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितना प्रेजेंट है, 1, ठीक है। इसी के बेसिस पे जो है आज हम टर्पिन्स को क्लासिफाई करने वाले हैं, उनके नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट कितने होंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लासिफाई करने वाले हैं। तो एक एक करके जो है सारे का क्लासिफिकेशन हम लिखेंगे। आप हेडिंग दे देना क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनोइड्स, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हम एक चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले जो हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे, मतलब कौन से क्लास का वो टर्पिन है, देन नंबर ऑफ यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ C5 आइसोप्रीन यूनिट, नंबर ऑफ C5। देखो C5 मैं क्यों लिख रहा हूं, अभी मैंने बताया C5H8 जो होता है या एक आइसोप्रीन यूनिट होता है, तो यहाँ पे C5 इसलिए लिखा जा रहा है, नंबर ऑफ C5 आइसोप्रीन यूनिट, आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। देन इसके एग्जांपल्स, एग्जांपल्स भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारा होगा क्लास उसे हम कहेंगे हेमी टर्पिन, हेमी टर्पिन। अब देखो हेमी टर्पिन का जो एग्जांपल होता है वो आपका ये था, जो 2-methyl-1,3-butadiene जो एग्जांपल था यही आपका हेमी टर्पिन का एग्जांपल है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितने थे, तो इसमें आपका आइसोप्रीन यूनिट जो है 1 था, बिकॉज यही था। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो गए। इसका एग्जांपल अभी मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे मतलब बेसिकली नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे उसका एग्जांपल देंगे। दूसरा होता है हमारा मोनोटर्पिन, क्या होगा, मोनोटर्पिनोइड्स। टर्पिन बोलो या मोनोटर्पिनोइड्स बोलो दोनों सेम ही है, ठीक है, मोनोटर्पिनोइड्स बोलो ज्यादा बेटर है। इसमें जो है आइसोप्रीन यूनिट जो प्रेजेंट होंगे वो बताऊं तो इसमें आइसोप्रीन यूनिट जो है 2 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जब 2 प्रेजेंट होंगे तो नंबर ऑफ 5 जो कार्बन 5 यूनिट 2 है, यानी इसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जो ये आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है ये दोनों को हमने जो है आपस में कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 कार्बन प्रेजेंट हो गए, यानी 2 आइसोप्रीन यूनिट यहाँ पे आपका प्रेजेंट हो गया। इसका एग्जाम्पल जो होता है आपका लिमोनिन होता है, लिमोनिन हो गया एग्जाम्पल। देन दूसरा हो गया अल्फा पाइनिन, अल्फा पाइनिन। देन इसका एग्जाम्पल होता है आपका साइट्रल, साइट्रल, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब जो है हम अपना नेक्स्ट बात करेंगे उसे हम कहते हैं सेस्क्यू टर्पिन, सेस्क्यू टर्पिनोइड्स। इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो सेस्क्यू में याद रखना ये होगा आपका 15, तो जब 15 हो तो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितने होंगे प्रेजेंट, वो होंगे आपके 3। तो याद रखना किसी भी टर्पिन में आपको 15 कार्बन दिख रहे हैं तो सिंपली आप बोलना कितने आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है, 3, यानी वो सेस्क्यू टर्पिन है, डायरेक्टली आपको नेम पूछा जाएगा। तो यहां पर देखो आपका इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है जिंजीबेरिन, जिंजीबेरिन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करने वाले सेस्क्यू के बाद में जो है आपका आता है डाई टर्पिन, डाई टर्पिनोइड्स, ठीक है। जो डाई टर्पिनोइड्स होते हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं आपके 20 एंड नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इसमें प्रेजेंट होते हैं 4, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया आपका विटामिन ए, ठीक है, यहां पर मैं अलग कह रहा हूं, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डाई के बाद आता है आपका सेस्टर टर्पिनोइड्स, सेस्टर टर्पिनोइड्स। तो सेस्टर टर्पिनोइड्स में जो है
नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं आपके 25 होते हैं और नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट जो प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीपल यानी 5 इसके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिस्टर के बाद में ट्राई टर्पिनोइड्स। क्या हो गया हमारा? ट्राई टर्पिनोइड्स। तो ट्राई टर्पिनोइड्स में जो है बेसिकली आपका जो है 30 कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है वो आपके 6 प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इसका जो एग्जांपल होता है आपका स्क्वालीन, एंड इसका होता है आपका और एक एग्जांपल होता है लेनोस्ट्रोल। ठीक है, ये दोनों इसके एग्जांपल होते हैं। इसके बाद आपका आता है टेट्रा टर्पिनोइड्स। तो जो टेट्रा टर्पिनोइड्स होता है इसमें जो है नंबर ऑफ जो कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं वो होंगे आपके यहां पे 40 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 30 और 35 नहीं है, 40 आ गया टेट्रा में। ठीक है, क्योंकि आप देखो सबसे पहले आपका हेमी आया, देन मोनो आया, मोनो के बाद बीच में एक एस का वर्ड आ गया, देन आपका डाई आ गया, फिर एक एस का वर्ड आ गया, फिर ट्राई आ गया, फिर आपका टेट्रा आ गया। एस का वर्ड वाला यहां पर हमने नहीं दिया, तो इसमें आइसोप्रीन यूनिट जो है 8 हो जाएंगे। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल होगा आपका लाइकोपीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देन बीटा कैरोटीन इसका एग्जाम्पल होता है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, ये बेसिकली आपके यहां पे हमने बात किया। अब हम बात करने वाले हैं पॉली टर्पिनोइड्स के बारे में। पॉली टर्पिनोइड्स इसमें जो है बेसिकली क्या होता है, 5N मतलब आपका जो है मतलब जो आपके आइसोप्रीन यूनिट जो 8 से ज्यादा होते हैं वो पॉली टर्पिनोइड्स के अंडर में चले आते हैं। इसका एग्जांपल हो गया आपका नेचुरल रबर। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया आपका नेचुरल रबर। तो आपने यहां पे देखा हमने सारा क्लासिफिकेशन कर लिया जिसमें हमने बताया कि जो हेमी में आपके 5 कार्बन थे, 1 आइसोप्रीन यूनिट हो गया, मोनो में 10 कार्बन यानी 2 आइसोप्रीन यूनिट, सेस्क्यू में 15 कार्बन यानी 3 यहां पे आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट हो गए, यहां पे 20 कार्बन यानी आपका डाई हो यानी 4 आइसोप्रीन यूनिट, सेस्टर में जो है 25 कार्बन यानी 5 आइसोप्रीन यूनिट, ट्राई में जो है आपका यहाँ पे 30 आपका यहाँ पे कार्बन एटम यानी 6 आइसोप्रीन यूनिट, देन 40 देन 8 इस तरीके से। अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उसमें आप बताना वो कौन सा टर्पिन है एंड उसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितने प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे मैं मिटाता हूं। तो देखो आपने नोट कर लिया होगा, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड दूसरा आपको पूछा है कौन सा टर्पिन है। आपको यहां पे ये नहीं पूछा गया है अभी कि हेड टू हेड कितने हैं या हेड टू टेल कितने हैं। ठीक है, इन दोनों का आप अलग कर चलना। तो देखो इसमें पूछा गया है तो सिंपली आपको कार्बन एटम गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 कार्बन हो गए, 10 कार्बन यानी कितना आइसोप्रीन यूनिट, 2 आइसोप्रीन यूनिट। अब 2 आइसोप्रीन यूनिट किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं आपके मोनो टर्पिनोइड्स में। ठीक है, शॉर्ट सा आंसर था, डायरेक्टली आपने आंसर इसका कर लिया। ठीक है, सिमिलरली जो है इसी तरीके से आप अनदर एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे जो है हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पूछा गया है सिमिलर टाइप का एग्जांपल है, ठीक है, ऐसे कार्बन काउंट किया गया है ये, तो इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करोगे तो इधर 3 हो गया, देन 4 5 6 7 मतलब इसमें सिरिंग में 6 हो गया, इधर 3 9 हो गया एंड 10 कार्बन हो गया। तो ये भी आपका जो है मोनोटर्पिन का एग्जांपल है, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इसमें भी जो है 2 प्रेजेंट हो गए। अब जो हम खुद से कुछ टर्पिन बना लेते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा। मान लेते हैं अब आपको पूछ दिया गया कि ये जो मैंने टर्पिन लिया हुआ है, ठीक है, इसमें ये कौन सा टर्पिन है, कितने नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट जो है इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देन 13 देन 14 देन 15 यानी
कार्बन एटम कितने प्रेजेंट हो गए 15, यानी आइसोप्रियन यूनिट कितने प्रेजेंट हो गए 3। अब जब आइसोप्रियन यूनिट जो है यहां पे 3 प्रेजेंट हो गए तो ये कौन सा टर्पिन हो गया, तो सिंपली जो है ये हो गया आपका सेस्क्यू टर्पिनोइड्स। ठीक है, ये हो गया आपका सेस्क्यू टर्पिनोइड्स। इसी तरीके से जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिसके बेसिस पे जो है आपको पता करना होता है कि कौन सा टर्पिन है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा किस तरीके से टर्पिन्स के नंबर ऑफ आइसोप्रियन यूनिट आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, कौन सा टर्पिन है, वो सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स।